स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज लेके आए हैं हम फैटी लीवर के ऊपर एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूरा देखिए। इसके अंदर आपको फैटी लीवर क्या है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से फैलता है और कौन सा जानलेवा है, कौन सा सिंपल है, क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से हम डाइट लेते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है आज का टॉपिक जिसके अंदर है फैटी लीवर। फैटी लीवर, फैट, फैट का लीवर के ऊपर जमा हो जाना। लीवर होता है वो नॉर्मल वर्किंग क्या होती है उसकी, हर चीज को पचाने का काम करता है, चाहे वो आपकी बॉडी में मिनरल्स हो, आपकी बॉडी में किसी प्रकार से न्यूट्रिशन, खाना, सब कुछ पचाने के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। यहाँ तक कि आपकी ब्लड सेल बनती है और टूटती है, वो भी लीवर के उसके अंदर जिम्मेदार होता है। तो अब बात करते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर में दो तरह के फैटी लीवर होते हैं, एक तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है और एक सिंपल होता है। सिंपल का मतलब दूसरा पार्ट जिसके अंदर, अब नॉन अल्कोहलिक का मतलब तो होता है नॉर्मल है, इसके अंदर किसी प्रकार से बाहर से कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ फैटी लीवर फैट के जमा होने से ही ये डिजीज आपको आई है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा अलग अलग। लेकिन अब बात करते हैं कि नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर होता है वो नॉर्मल होता है, उसको सही किया जा सकता है। बट एक होता है डैमेज, अगर फैटी लीवर के साथ साथ आपकी बॉडी जो लीवर है वो डैमेज हो गया है तब ऐसी कंडीशन आती है, वो अलग हो जाती है। तो नॉन अल्कोहलिक के अंदर अब देखिए कोज क्या है, इसके कारण क्या है। एक तो आप खाना जो लेते हैं वो सही से ना लेते हो, आप ड्रग्स को यूज करते हो, अल्कोहलिक हो आप, बार बार आपके लीवर में इंफेक्शन हो रहा है, पीलिया हो रहा है, ऐसी कंडीशन बार बार आ रही है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर आता है कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम में देखिए, जब भी लीवर में दिक्कत होगी तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाए तो आपके पेट में स्वेलिंग आती है। लीवर कहाँ होता है, लीवर आपके राइट लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा होता है, राइट साइड से शुरू होता है बट यहाँ से आता है। तो इस तरह आपको पेन होगा, स्वेलिंग आ सकती है, पेट में पानी भर सकता है, ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। वोमिटिंग, वेट बढ़ना, वेट कम होना, ये अकॉर्डिंग होता है मेटाबॉलिज्म जो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपकी इसके अंदर दिक्कतें आने वाली सिस्टम है, पेट में पानी भर जाता है और आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग आएगी, ठीक है, और इसके अंदर सोजन ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से आपको जॉइंटिस वगैरह की कंडीशन भी बाद के अंदर देखने को मिल सकती है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ डायग्नोसिस जांचें कराते हैं जिसके अंदर यूएसजी, एलएफटी जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, आपका बीपी चेक किया जाएगा, सीटी स्कैन करा सकते हैं हम, स्कैन रहे, एक्सरे, ठीक है, बायोप्सी, कोई अगर लगे कि कैंसर का हो सकता है तो बायोप्सी की जांच भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके अंदर बहुत मेजर रोल करता है, क्योंकि लिपिड आप ले रहे हो ज्यादा मात्रा में रहे हो तो फैटी लीवर उसी वजह से है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके साथ ही फाइबर जो होता है उसका स्कैन किया जाता है, फाइब्रो स्कैन किया जाता है फाइबर की, उसके अंदर जांचें की जाती है लीवर के अंदर, इससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी ग्रेड का है, कितना हो गया है। अब इसके साथ ही जब हम जांचें कर लेते हैं तो इसके साथ हम उसके अंदर कुछ मैनेजमेंट करते हैं। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसके अंदर हम लोग उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से देते हैं उसकी बात करते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक के अंदर आपको मेनली कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक है वो सिर्फ फैटी लीवर की वजह से, आप अपना डाइटरी चेंज कर लेंगे तो आप सही हो जाएंगे। बट इसके अंदर भी डाइट का अलग होता है, ये नहीं है कि आप फैट कार्बोहाइड्रेट की लो डाइट आपको लेनी होती है, लो कार्बोहाइड्रेट से आप ये जल्दी सही होते हैं। आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, कॉफी का सेवन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, नॉन अल्कोहलिक की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके अंदर ये तीन दिन में तीन चार बार आप कॉफी पियेंगे, विटामिन ई, विटामिन डी आप लेते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, आपने कई लोग सोचते हैं कि जो फैट है वो उसकी वजह से ही आपको बंद कर देनी चाहिए फैट और एकदम सही हो जाओगे, नहीं। इसके अंदर स्टडी में पाया गया है कि अनसेचुरेटेड जो फैट होती है उसको लेने से भी ये जल्दी सही होता है। साथ में एक्सरसाइज आप कीजिए, फैट लीवर के अंदर एक्सरसाइज भी काफी आती है, अदर फैट होती है उसको आपको कम करना होता है, डाइटरी डेली के 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी, ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस दिन में इसको बंद कर दें, 3 महीने आपने यूज किया, आप फैटी लीवर आपका सही हुआ और आपने बंद कर दिया, ऐसी कंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रोलोंग रखना है तो आपको अपने डाइटरी लेवल, आपका हैबिट से रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर आता है सेकंड वन कि जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर कुछ, अगर मान लीजिए डैमेज हो गया है या फिर दोनों के अंदर भी हम कुछ एक आधी मेडिसिन देते हैं जिसमें लीफ 52 हम देते हैं, फैटी लीवर के अंदर काम आती है। अब लीफ 52 के साथ वेदिया नाम से भी कैप्सूल आते हैं, वो भी इसके अंदर दिए जाते हैं। बाकी अगर इसमें डैमेज हो गया है, मैंने आपको जैसा बताया था स्टार्टिंग में, अगर सेकंड वन है
जिसमें डैमेज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन आए पूरे में, तो आपको ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना होता है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके अंदर लिपोजेनेसिस जो इनहिबिटर होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, फैटी एसिड को बनने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से फैट बनना बंद हो जाता है और इसके अंदर काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। और जिस तरीके का डैमेज आपके लीवर के अंदर होता है, उस डैमेज को रिपेयर किया जाता है या तो, या उसका ऑपरेट किया जाता है, कुछ मेडिसिन चलाई जाती है। मान लीजिए ये ज्यादा ही हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से या फिर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा वर्क करने लग जाए, ऐसी कंडीशन की वजह से होता है, तब अपने क्या करते हैं, तब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग भी दी जाती है, इसका ट्रांसप्लांट या फिर इसके अंदर ज्यादा दिक्कत हो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो जो नॉर्मल हर तीन में से एक आदमी के अंदर फैटी लीवर होता ही होता है, ग्रेड फर्स्ट का आपको हर किसी में देखने को मिलेगा, ग्रेड फर्स्ट का आपको हर किसी में, क्योंकि फैट वगैरह हल्का फुल्का सब में जमा होता है, तो इसको हल्के फुल्के आप एक्सरसाइज से ही कर सकते हैं, तो ये घातक नहीं है। बट अगर इसका ग्रेड बढ़ता जाता है तो ये ज्यादा घातक होता है, तो इसलिए इसका समय पर इलाज कराना होता है। ज्यादा घबराने की चीज नहीं है इसमें, एक्सरसाइज कीजिए और डॉक्टर को दिखाइए, टाइम से आपका इलाज हो सकता है। तो ये था हमारा फैटी लीवर पर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।